नमस्कार, प्रणाम सभी को, जय माता दी। कैसे आप सब? उम्मीद करती सब लोग अच्छे होंगे। आज देखिए हमारे बड़े भैया दामोदर राव जी, आज एक बार फिर से मैं इस स्टूडियो में आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया गया है, भैया का प्यारा आशीर्वाद रहा है कि मुझे भी चांस देते हैं गाने का। फिलहाल अभी तो मैं कुछ भी नहीं गा पाती हूँ, लेकिन एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। तो भैया का प्यारा आशीर्वाद है, तो मेरे भैया से भी जरा आप लोग बात कर लीजिए। आज तक तो हमने सबका इंट्रोडक्शन कराया, आज इनके द्वारा हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि मैं दामोदर राव और आज रिकॉर्डिंग हुई। वाकई ये शालिनी सिंह जी है, ध्यान से दोबारा पहचान लीजिए। ऐसे आप पहचानते हैं, फिर भी शालिनी सिंह बहुत ही सुरीली गायिका है, अच्छी नीयत की है, अच्छा गाती हैं। ये दूसरी बार इनका गाना रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे रिदम म्यूजिक स्टूडियो में कांदीवली में, और गाना बहुत अच्छा हुआ। हम गाना भी आप लोग सुनाएंगे जो आज इन्होंने गाया। इसके पहले भी इनका गाना जो आया था, पहले वाला गाना तो आपको याद हो। ये आगे गाना गाते जाती हैं और जब मैं भूलते जाती पहली हैं। बार गाने आई थी बहुत डर रही थी अंदर अंदर से, अभी भी डर रही हूँ, ऐसा अब नहीं तो है डर नाम लेकिन का चीज ही नहीं, अब तो मैं थप्पड़ मार सकती हूँ। नहीं भैया, नहीं नहीं मतलब हिम्मत हिम्मत अपना हाँ ये है कि थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, अभी भी उतना खुल के नहीं आई हूँ, कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि संगीत एक साधना है, जितना लोग सोचते हैं उतना इजी नहीं होता है, तो उसको हमेशा दिल से। चलिए कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और खासकर लड़कियों में तो ये हिम्मत होना ही चाहिए कि कहीं मामला अगर बिगड़ता है कि थप्पड़ क्या मारें, उसको सबक सिखा दें। यस इतना कॉन्फिडेंस, इतना पावर तो होना ही चाहिए, आपको सुतना है क्योंकि कहाँ कहाँ सपोर्ट में लोग जाते रहेंगे, क्योंकि आजकल के जो जो मजनू लोग घूमते रहते हैं, मनचले लोग, सही सही बड़े बाप के बिगड़े बेटे लोग जो घूमते रहते हैं, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए उतना काफी है, कैपेसिटी होना चाहिए। सभी में नहीं होता है, उतनी हिम्मत है। उतना होना चाहिए। तो चलिए इनका गाना जो रिकॉर्ड हुआ आज हम सुनाते हैं आपको, आइए। सुनिए। दर्द देके मुझको इतर ना सताओगे, दर्द देके मुझको इतर ना सताओगे, मेरी जान तुम बहुत पछताओगे, है मेरी जान तुम बहुत पछताओगे। दूर जाके मुझको ऐसे तुम रुलाओगे, दूर जाके मुझको ऐसे तुम रुलाओगे, मेरी जान तुम बहुत पछताओगे, मेरी जान तुम बहुत पछताओगे। ये है गीत इनका, आप लोग सुन लिए होंगे। जैसी हैं ये वैसे ही गाई भी है, ठीक है ना? थैंक यू भैया। सिंगर लोग इतना मतलब क्यूट दिखने लगे लड़कियां, तो बाद में हीरोइन भी बन जाएगी। जैसे जैसे सिंगर मेल सिंगर हीरो बन जा रहे हैं, तो वैसे फीमेल सिंगर भी हीरोइन बन ही सकती है। वो तो है, बट मैंने कभी सोचा नहीं। सोचने की क्या बात है इसमें, तो अपने गाने में पहले एक्टिंग करेंगे धीरे धीरे। ये ऑफ कोर्स करेंगे कि मैं अपने गाने से ही छोटा छोटा रोल करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और सच बताएं तो भैया का प्यार है कि मैं कैमरा के सामने खड़ी थी, दर्द बहुत लग रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा हिम्मत आया है, तो बस प्यार आशीर्वाद दीजिए। आप लोग के बिना हम लोग कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए यही प्यार दुलार आशीर्वाद अपना बनाए रखिए, और फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं सचेत करना चाहता हूँ कि आज दुनिया में जो बीमारी, जो कोरोना वायरस जो बीमारी जो फैली हुई है, इससे मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि इसको इससे सचेत किया जाए। अभी चाइना में लगभग 1400 लोग हो चुके हैं, और कम से कम 50,000 लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। बहुत वहाँ की स्थिति खराब है, बहुत मामला बिगड़ा हुआ है, और अपने भारत में भी छपरा में झारखंड में टोटल मिला के 6 लोग भी यहाँ इफेक्टेड हुए हैं उससे, लेकिन इलाज चल रहा है। और वहाँ से 600 बच्चे जो ट्रेनिंग के लिए जो वहाँ सीखने गए थे वो आए हुए हैं, और उनको इलाज कर करके छुट्टी किया जा रहा है। और घबराने की बात नहीं है, ये यूँ ही नहीं फैलेगा, ये बस आपको वर्जित करना है, सतर्क रहना कि बर्फ का गोला नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, और कोई भी डिब्बा
बंद जो सामान जो है उसको अवॉइड करें, उसको कम खाएं, और जहाँ तक हो मांस मछली भी ना खाएं बचाए। 2 महीना तक तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये बीमारी मांस मछली से ही, वहाँ के हाँ लोग जो है चमगादड़ खाते थे, सांप बिल्ली बंदर चूहे कॉकरोच ये सब चीज़ खाते थे, इसलिए ये बीमारी पहले चमगादड़ में आया था, और उसके बाद उसका लोग सूप पिया, सूप पीने के बाद फिर आदमी में गया, फिर हाथ मिलाने, फिर हवा, फिर ब्लड, फिर जैसे 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 बढ़ते गया। फैलता गया। तो हम लोग सावधान अगर रहेंगे, सतर्कता से रहेंगे, तो ये बीमारी भारत में नहीं आएगी। वैसे इसका इलाज नहीं है, इसके लक्षण वही है, सर्दी होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा, देह दर्द होगा, सर दर्द होगा, ये जैसे भी आपको हो, तो इसका ये होने का मतलब ये नहीं कि आपको वो बीमारी है, लेकिन ये होने पर थोड़ा आप जाके इलाज करा लीजिए, ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी ये भारत में कोई इसका जगह नहीं बना है, लेकिन हम लोग का काम है कि उसको आने ना दें, और जितना ज़्यादा हो आप गर्म पानी पीने का सेवन करें, लहसुन खाया करें, लहसुन से बड़ी भारी भारी बीमारियां नहीं आती है, तुलसी के पत्ते खाया करें, सुबह हमें जगें, योगा करें, प्राणायाम करें, आसन करें, व्यायाम करें, अलोम विलोम करें, कपाल भाती करें, जो योगा जो है उसको करने से आपके मन को शक्ति मिलती है, आपकी आत्मा को शक्ति मिलती है, आप मजबूत होते हैं अंदर से, केवल जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से आपका बाहरी स्ट्रक्चर जो है वो सुंदर होता है, लेकिन योग करने से आपके अंदर की शक्ति मजबूत होती है, और आप अंदर से चेहरे का पर आभा प्रभा कांति जो है चेहरे पे खिलता है। तो चलिए ऐसी बात को, वीडियो को लेकर हम लोग अपनी बातों को विराम देते हैं, फिर मिलते रहेंगे, सतर्कता जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच ऑल।